नमस्कार, मैं अर्जुन रावत और स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने कि अभी हाल ही में अपना 52 वीक का लो हिट किया है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आपको बता देता हूँ कि जो भी इस वीडियो में मैं कंटेंट बताने वाला हूँ वो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है दोस्तों, और इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 4 स्टॉक्स के बारे में जो कि अपना 52 वीक का लो हिट कर चुके हैं। ये देखेंगे कि क्या वहाँ पर उनको बाय करने की अपॉर्चुनिटी बन रही है या उनको दोस्तों बाय नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों, या एटलीस्ट उनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए। पहले हम देखेंगे दोस्तों उनका 5 साल का डेटा कि किस तरह से परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन में निकलेंगे दोस्तों कि क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली जो कंपनी है दोस्तों वो एक FMCG कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों 7,489 करोड़ रुपए के ऊपर का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है दोस्तों 19.99, जो कि काफ़ी सही है दोस्तों। 19.99 का अगर किसी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है तो अच्छा है, 20 के नीचे है दोस्तों। करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों 165 पे, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दोस्तों 19.03%। 52 वीक का हाई दोस्तों इसने बनाया था 416 का, और लो इसने बनाया है दोस्तों 140 का। ROE है दोस्तों इसका 15.13%। डिविडेंड यील्ड है दोस्तों 0.57%, जो कि थोड़ा सा कम है दोस्तों। लगभग 1% की डिविडेंड यील्ड तो होनी चाहिए किसी अच्छे स्टॉक में। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं दोस्तों इसका 8.25 है दोस्तों इसका अर्निंग पर शेयर। अब ये देख लेते हैं दोस्तों कि ये कंपनी कौन सी है, इसके प्रोडक्ट क्या है। मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूँ थोड़ी देर में, आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सी कंपनी है ये। इस कंपनी के प्रोडक्ट है दोस्तों जैसे फेयर एंड हैंडसम क्रीम है, झंडू बाम आता है, सोना चांदी च्यवनप्राश आता है दोस्तों, ये सारे इस कंपनी के प्रोडक्ट हैं। अब उसका पिछले 5 सालों का डेटा देखते हैं दोस्तों। 5 साल पहले यानी कि 2015 में ये ट्रेड कर रहा था 555 के करीब, और अभी ये दोस्तों 165 पे आ गया है। यानी कि पिछले 5 सालों में इसने अपने शेयर होल्डर को नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और दोस्तों पिछले 5 सालों में इसकी जो अर्निंग ग्रोथ है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, वो भी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता चला जा रहा है दोस्तों। एक पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों इस कंपनी में, ये कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, बस इतना ही सही है दोस्तों। तो ये कंपनी मैं बताता हूँ दोस्तों कौन सी है, ये है दोस्तों इमामी, जो कि FMCG सेक्टर में काम करती है। और मुझे लगता है दोस्तों कि आप लोगों को अभी इस कंडीशन में तो इस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले 5 सालों से अगर कोई कंपनी नेगेटिव रिटर्न दे रही है तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पे कोई आप लोगों को उसको बाय करना चाहिए या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पे बन रही है दोस्तों। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, ऑटो सेक्टर की ये कंपनी है जिसने कि अपना 52 वीक का लो टच किया है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों 36,560 करोड़ रुपए का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17.94 चल रहा है दोस्तों। करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों 13,390 रुपये पर इक्विटी शेयर दोस्तों। ROCE दोस्तों देख लीजिए 50 के करीब है, 49.54%। 52 वीक का हाई बनाया था 23,000 का और लो बनाया दोस्तों 13,115 का। ROE चल रहा है दोस्तों 33.19%। एक चीज और देखने लायक है दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेटली और लगभग मान लीजिए कि जस्ट अपने 52 वीक के लो पे ही ट्रेड कर रही है दोस्तों ये कंपनी। डिविडेंड यील्ड है दोस्तों इस कंपनी की 0.61%, और अर्निंग पर शेयर देख लीजिए दोस्तों आप 746 रुपये पर इक्विटी शेयर है इसका अर्निंग पर शेयर दोस्तों। तो ये तो रहा दोस्तों इस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा। अब ये देख लेते हैं कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने ग्रोथ कैसे करी थी। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ, ये कंपनी है जो दोस्तों ये क्या बनाती है, कमर्शियल व्हीकल बनाती है, मोटरसाइकिल बनाती है, और वो भी हैवी वाली मोटरसाइकिल बनाती है, यानी कि 350 cc से ज़्यादा की मोटरसाइकिल ये कंपनी बनाती है, और इंजीनियरिंग कंपोनेंट बनाती है दोस्तों, ऑटो पार्ट्स बनाती है। तो इस कंपनी का देख लेते हैं पिछले 5 सालों का डाटा। 5 साल पहले दोस्तों ये यहां पे ट्रेड कर रही थी 16,230 पे, और अभी ये ट्रेड कर रही है दोस्तों लगभग कितने पे, 11,000 या 12,000 के अराउंड ट्रेड कर रही है। तो इस कंपनी ने भी पिछले 5 सालों में नेगेटिव रिटर्न दिए हैं दोस्तों अपने शेयर होल्डर को। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों इस कंपनी के बारे में जो पॉजिटिव है, सबसे पहली बात तो जो इस कंपनी के प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं दोस्तों। जो इस कंपनी की जो मोटरसाइकिल है 350 cc में, पूरे वर्ल्ड वाइड कंपीट कर रही है, सारे वर्ल्ड में जितनी भी कंपनियां हैं उस सेक्टर में उनको। और यहाँ देख लीजिए पहले 3 सालों में यहाँ से लेकर 15,000 से लेकर और यहाँ तक 23,000 तक का इसका सफर जो है दोस्तों यहाँ पे
ये कंपनी ने लगभग डबल कर दिए थे दोस्तों, ये 30,000 पे यहाँ पे जाके, यहाँ 15,000 पे कोई बाय करता, यहाँ 30,000, 3 साल में ही इसने डबल रिटर्न दे दिए थे दोस्तों अपने शेयर होल्डर को। लेकिन पिछले 2-3 सालों में दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री पूरी डाउन है, इसकी वजह से इसमें भी डाउन आया हुआ है दोस्तों और नेगेटिव में ये कंपनी चल रही है। ये कंपनी है दोस्तों आइशर मोटर, और जिस मोटरसाइकिल की मैं बात कर रहा था आप लोगों से वो है दोस्तों जर्नली जो जानी जाती है बुलेट के नाम से। बुलेट जो बनाती है दोस्तों वो यही कंपनी बनाती है, और बुलेट जो इंडिया का एक प्रोडक्ट है दोस्तों, इस कंपनी का प्रोडक्ट है 350 सीसी से रेंज से ऊपर में दोस्तों पूरे वर्ल्ड में वो कंपीट कर रही है अदर कंपटीटर के साथ। इंडिया की केवल एक ही बाइक ऐसी है दोस्तों, तो इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको इसको अपनी एटलीस्ट अपनी वॉच लिस्ट में तो ऐड कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पिछले 3 से 5 सालों का डाटा इसका थोड़ा सा अच्छा रहा था, और पिछले 2 सालों में इसने थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न दिए हैं क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री पूरी डाउन चल रही है दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जो कि मेटल इंडस्ट्री का शेयर है, जिसने लेटेस्ट अभी अपना 52 वीक का लो टच किया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों इस कंपनी का 7,490 करोड़ रुपए का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अवेलेबल नहीं है दोस्तों, करंट प्राइस चल रहा है 20 रुपए पे। ROCE चल रहा है दोस्तों 7.90% का। 52 वीक का हाई बनाया था 60 और लो बनाया है 20 दोस्तों, तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली और एग्जैक्टली अपने 52 वीक के लो पे ट्रेड कर रही है दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है दोस्तों इसने 5.90% का, और डिविडेंड यील्ड है दोस्तों इसकी लगभग 1% के करीब, 0.93%। अर्निंग पर शेयर इसकी नेगेटिव में है दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इसके असेट से ज्यादा लाइबिलिटीज हैं, इस वजह से इसका अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में है दोस्तों। देख लेते हैं इसका पिछले 5 सालों का डेटा, 5 साल पहले ये यहाँ पे 75 रुपए पे ट्रेड कर रही थी दोस्तों, और अभी ये घट घट के 20 रुपए पे आ गई है। तो मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि इस कंपनी को आपको अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड करना चाहिए, इस कंपनी से तो आप लोगों को दूर ही रहना चाहिए दोस्तों। अभी अपने पैसे बिना बात के नहीं फंसाए दोस्तों इस कंपनी में, ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है दोस्तों। सेल इस कंपनी का नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दोस्तों। इसका क्या है दोस्तों, इसका जो डेट है लाइबिलिटीज है वो इसके असेट से भी ज्यादा है। लेकिन इसके बारे में एक पॉजिटिव चीज ये बता देता हूं कि ये थर्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है इंडिया का दोस्तों, और पूरे वर्ल्ड में ये 20वें नंबर पे है स्टील प्रोडक्शन में। लेकिन हमको प्रोडक्शन नहीं देखना है दोस्तों, हमें ये देखना है कि क्या ये कंपनी हमारे पैसों को अप्रिशिएट करेगी, क्या ये कंपनी हमें अच्छा रिटर्न देगी। तो मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि ये कंपनी हमें अच्छा रिटर्न देगी, तो आप लोग भी इसको अवॉइड कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं दोस्तों, ये ऑयल इंडस्ट्री से काम करती है, ऑयल का एक्सप्लोरेशन करना, प्रोडक्शन करना, नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करना दोस्तों, एक्सप्लोरेशन करना इस कंपनी का काम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं इस कंपनी के बारे में बता देता हूं दोस्तों, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और ये बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है दोस्तों। मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों 7,490 करोड़ रुपए से ऊपर का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है दोस्तों 5.72 का। करंट प्राइस है दोस्तों 76 पे ट्रेड हो रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड है दोस्तों 16.23%, बहुत अच्छा है दोस्तों। ROCE 52 वीक का हाई बनाया था 170, लो बनाया 74, और ये कंपनी भी दोस्तों एग्जैक्टली अपने 52 वीक के लो पे ट्रेड कर रही है। ROE है दोस्तों 15.44% का। दो चीजें बता देता हूं दोस्तों यहां पे, एक चीज बता देता हूं, जो ROCE और ROE है इसका पिछले 3 सालों में इसने बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है, और ये कंपनी भी दोस्तों वर्चुअली डेट फ्री है। डिविडेंड यील्ड जिसकी मैं बात कर रहा था कि बहुत अच्छा डिविडेंड ये कंपनी देती है, 5.69% का ये कंपनी डिविडेंड दे रही है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर देख लीजिए दोस्तों इस कंपनी का 13.38 है दोस्तों। पिछले 5 सालों का डाटा अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि 5 साल पहले ये कहां थी और अभी ये कहां है। 5 साल पहले दोस्तों ये ट्रेड कर रही थी 93.76 पे, और अभी ये ट्रेड कर रही है दोस्तों अराउंड 74, तो इसने भी नेगेटिव रिटर्न दिए हैं पिछले 5 सालों में। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर किसी बंदे ने यहां इन्वेस्ट किया होता, और ये देखिए इसने 3 साल पहले अपने 200 से ऊपर का टच किया था यहाँ पे 210 और 220, तो 2 गुना रिटर्न अपने शेयर होल्डर को इसने दे दिया होता। यहां से 2017 और 2018 से नीचे दोस्तों डाउन ट्रेंड चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि इसी कंपनी का डाउन ट्रेंड चल रहा है, जितनी भी ऑयल सेक्टर की कंपनीज हैं सभी कंपनियों में डाउन ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, और सभी नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं पिछले 2-3 सालों में दोस्तों। लेकिन उससे पहले का अगर हम देखते हैं दोस्तों इसका रिटर्न, तो काफी पॉजिटिव रिटर्न इसने दिया था, और केवल 2 सालों में ही अपने शेयर होल्डर के पैसों को डबल कर दिया था दोस्तों। इस कंपनी में दोस्तों
आप इसको अगर खरीदना नहीं चाहते हैं तो मत खरीदे, लेकिन एटलीस्ट अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दो चीजों के लिए, एक एक तो ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, डिविडेंड अच्छा देती है, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, ये आपके कैपिटल को भी अप्रिशिएट कर सकती है दोस्तों, क्योंकि ये एवरग्रीन टाइप कंपनी है, हमेशा चलती रहनी है। अभी तक दोस्तों आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि कौन सी ये कंपनी है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। ये कंपनी है दोस्तों इंडियन ऑयल, जो कि क्या काम करती है इंडिया में, आप लोगों ने देखा होगा इसके बहुत सारे तो क्या हैं, पेट्रोल पंप होंगे बाहर, आपने देखे होंगे जहाँ पे कि आप पेट्रोल भरवाते होंगे, ऑयल का एक्सप्लोरेशन करती है, प्रोडक्शन करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है दोस्तों। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है ये और काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों, गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है और साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर को भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने चार उन स्टॉक्स के बारे में देखा जिन्होंने कि हाल ही में अपने 52 वीक के लो को टच किया है, और ये देखा कि क्या यहाँ पे इन कंपनीज को खरीदने के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है दोस्तों। जो भी मैं बता सकता था आप लोगों को मैंने बताया है दोस्तों। अब खुद आप लोग एनालिसिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा खुद भी अपना रिसर्च कर लीजिएगा दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।